मैंने जो देखा, एक जन नहीं देखा जो राहुल को लाइक करता है। थोड़ा सुधर जाओ, अच्छी बातें करो, ऐसा मत करो किसी का। बहुत मेहनत का चीज को आप एक सेकंड में छीन मत लो। और जान को जो ऐसे इंसल्टिंग बात राहुल ने कहा, मुझे एक बात उनसे पूछना है कि आज जान जिधर खड़ा है बिग बॉस के प्लेटफॉर्म में, मेरा राहुल भी उधर खड़ा है, मेरा जान भी उधर ही खड़ा है। तो हाउ यू जज इट कि दैट ही इज द नेपोटिज्म की डन, यू आर नॉट। सो मैम वही अब तक जैसे कि हमने देखा है कि जान ने उनका मिडिल नेम यूज नहीं किया है, पर अब जब कल राहुल ने ऐसा कमेंट किया है, तो एज अ मदर व्हाट वाज योर फीलिंग? इट इज वेरी सैड, यू नो, मुझे बहुत तकलीफ हुई बहुत ज्यादा कि मेरा जान का इतना साल का मेहनत, उनका इतना बड़ा सपना, उनका इतना डेडिकेशन, सब बात को उन्होंने एक सेंटेंस में वेरी इजीली उनको उन्होंने उड़ा दिया। यू नो, इट्स एन इंसल्ट फॉर एवरीवन, फॉर मी, फॉर हिज फादर, फॉर जान डेफिनेटली, दैट यू आर टेकिंग द एक्सक्यूजेस जो आपको कुछ बोलने के लिए और है ही नहीं आपके पास। ही हैड नथिंग टू से अगेंस्ट जान। बहुत दुख वाली बात है, एंड आई एम फीलिंग बैड ऑल्सो फॉर राहुल कि उनके पास और कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने ये बात बोल के जान को नॉमिनेट किया। डोंट यू थिंक सो कि आफ्टर 3 weeks उनको याद आया इस नेपोटिज्म के बारे में, जब उन्होंने जान के साथ, यू वॉज वेरी हैप्पी ऑल्सो, उन लोगों ने एक ग्रुप भी बनाया था, दे वर वेरी हैप्पी, तब उनको याद नहीं है। जब उनको घर में एक जन मैंने नहीं देखा, मैंने जो देखा, एक जन नहीं देखा जो राहुल को लाइक करता है, और मैंने एक जन नहीं देखा जो सीरियसली जान को हेट करता है। अब जब हम देखता है पूरे घर वालों ने जान को सपोर्ट किया है, कहीं ना कहीं राहुल के अगेंस्ट है। I must say I'm thankful to all those people जो उधर घर में है, जिन्होंने जान को सपोर्ट किया, क्योंकि देखिए जान घर से उधर है, सब लोग घर से अलग है, इतना दूर है, अलग से पड़े हैं वो लोग, एंड विदाउट एनी पेरेंट्स, कोई साथ में नहीं है, तो सब लोग बहुत फैमिली के तरफ से सब लोग दुखी है। तो उस टाइम अगर ऐसे क्राइसिस टाइम में उन लोगों ने मेरा जान का साथ दिया, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। बट आई मस्ट से राहुल ने बहुत बड़ा गलत काम किया, उनको इसका सहारा नहीं लेना चाहिए था। If you are a good singer, come fight directly with Jaan. Don't take an excuse which is not existing at all. Jaan ने सब कुछ अपने दम पर किया। Big Boss तक उन्होंने खुद audition देके, जैसे सबको call मिला, Jaan को call मिला, उन्होंने हर एक interview दिया, उस सबके साथ उनका जैसा आपका जैसा audition हुआ, Jaan को भी audition हुआ, and सब कुछ होने के बाद Jaan ने अपने daddy को बताया। राहुल ने ऐसा जब जान ने कहा कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी बॉर्न इन अ फैमिली लाइक दिस, टू हैव अ फादर फिगर लाइक दिस, तो राहुल ने ये कहा कि मुझे जरूरत नहीं है ऐसे फादर के यहाँ जन्म लेने की। क्यों जरूरत नहीं है? जरूरत है बोल के तो रो रहे, बिकॉज उनको ऐसा फादर नहीं मिला बोल के तो रो रहे। ही गॉट अ चांस टू टॉक अबाउट जान। अगर वो जान की जगह होता और वो जान उस जगह में होते, तो उनको तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ता। बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी उन्होंने ऐसा बात बोला। ओके, फैंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे, यू नो, जो सपोर्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, ये जो नेपोटिज्म वॉर शुरू किया है इन अ वे राहुल ने, तो वहां पर मुझे ये बोलना है फैंस को, जो सपोर्टिंग राहुल, उनसे मुझे एक रिक्वेस्ट है, एक बार सोचिए कि एक बच्चा का पूरा मेहनत, उनका उनका डेडिकेशन, उनका इतनी साल की जो तपस्या है, उनको आप कैसे एक सेंटेंस बोल के निकाल सकते हो कि नेपोटिज्म? राहुल को इतना दिनों के बाद क्यों याद आया ये बात, जब राहुल और जान दोनों ने बिग बॉस में गाना गाया था, यू रिमेम्बर? यस, उस दिन भी राहुल को ये बात याद नहीं आया था। और दिस इज द इफेक्ट ऑफ दैट डे, दैट इज व्हाट आई वांट टू नो, is this the effect of that day? Correct. तो मैम, अगर आपको मौका दिया जाए घर के अंदर एक फ्रीज मोमेंट में जाने का, तो और राहुल को कुछ कहने का, तो आप क्या कहोगे? तो बोलूंगी थोड़ा सुधर जाओ, अच्छी बातें करो, ऐसा मत करो किसी का। बहुत मेहनत का चीज को आप एक सेकंड में छीन मत लो, क्योंकि आपने भी कोई, यू नो, रियलिटी शो से ऊपर आया राहुल भी, मे बी नॉट दैट ऊपर, बट ही स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम देयर। He knows के how much is, and you know, जान ने कभी, अगर जान कुमार शानू का बेटा बोल के नेपोटिज्म के में अगर अपने आप को बढ़ा लेते, तो जान तो आजकल उनके डैडी ने 23,000 गाना गाया, जान कम से कम 23 हिट गाना गा के जाते ना, जान बिग बॉस में क्यों जाते? और जान को जो ऐसे इंसल्टिंग बात राहुल ने कहा, मुझे एक बात उनसे पूछना है
कि आज जान जिधर खड़ा है बिग बॉस के प्लेटफॉर्म में, मेरा राहुल भी उधर खड़ा है, मेरा जान भी उधर ही खड़ा है. तो हाउ यू जज इट कि दैट इज द नेपोटिज्म किड ऑन यू आर नॉट. प्लेटफॉर्म को दोनों को तो एक ही मिला ना. जान को तो बड़ा कुछ नहीं मिला उनसे. जान को भी उतना ही मेहनत करना पड़ा. करेक्ट. जान को उल्टा एक नाम के अगेंस्ट में जाना पड़ा. आई मस्ट से राहुल इज लकी. उन्होंने अपना स्ट्रगल शुरू कर दिया, शुरू पर निकल पड़े. जान इज फाइटिंग विद ए नेम. जान को एक नाम को शोल्डर पे लेके आगे बढ़ना पड़े, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट. चलिए, थैंक यू सो मच मैम. आगे भी बातें होंगी, ढेर सारी बातें होंगी. होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून. थैंक यू सो मच.